हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम आप लोगों के लिए सांभर बड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है इसे केचप के साथ खाया जाता है आप चाहे तो लाल चटनी आती है उससे भी इसको साथ ले सकते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है एकदम नया टेस्ट है इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें देखिए मैं आपको दिखा इसक देती हूँ अंदर से भी ये देखिए एकदम क्रिस्पी है और अंदर पूरा मसाला इसमें भरा हुआ है खट्टा मीठा मसाला चलिए हम इसकी सामग्री देखते हैं पहले एक कप मैदा ले लिया है साथ में एक कटोरी बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ हरा धनिया साथ में हमने लिया है खोपरे का पूरा एक कटोरी छोटे साइज़ की कटोरी है ये मोयन के लिए तेल लिया है दो चम्मच नींबू का रस एक चम्मच दो चम्मच बेसन है अगर एक कटोरी मैदा ले रहे हो तो दो चम्मच बेसन डालें एक कटोरी की लगभग भुनी हुई मूंगफली का पूरा है हल्दी पाउडर है शक्कर का पूरा है लाल मिर्च पाउडर है राई है नमक है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है गरम मसाला जीरा और हींग ये खसखस -खस के दाने हैं और ये तिल्ली ली हुई है एक चम्मच खसखस के दाने और दो चम्मच तिल्ली चलिए हम पहले आटा बना लेते हैं हमें आटा लगाना पड़ेगा तो हम एक कप मैदा ले लेंगे इसमें हम दो चम्मच बेसन भी डाल देते हैं अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब और आधा चम्मच के करीब ही हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसमें अब जो हमने तेल लिया था दो चम्मच मोइन के लिए वो डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे नमक आप इसमें टेस्ट के अनुसार डालें और मोहन डाल के इसका हम आटा लगा लेंगे एकदम नरम आटा इसको मिक्स कर देने के बाद मिक्स कर देंगे तो सब तेल अच्छे से इसमें मिल जाएगा इसके बाद हम पानी की सहायता से इसका आटा लगा लेंगे बहुत ज़्यादा कड़क भी आटा नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं पानी डाल के आप इसका आटा लगा लें कुछ इस तरह का आटा बनके तैयार हो जाएगा ये देखिए ये आटा लग गया है अब हम दूसरे गैस पे पेन रख देते हैं उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं तेल इसमें बहुत कम लगेगा इसमें हम पहले राई डाल देंगे जब राई अच्छे से क्रैकल हो जाए अच्छे से तड़कने लग जाए उसके बाद हम जीरा और हींग जो हमने ली थी वो भी इसमें डाल देंगे जब जीरा भी अच्छे से तड़क जाए उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था एक चम्मच के करीब है ये पेस्ट ये डाल देंगे इसे हल्का सा भूज लेंगे आप गैस की आँच बिल्कुल धीमी रखें इस मसाले को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है साथ में हमने इसमें जो मूँगफली का पूरा बनाया था वो डाल देंगे खोपरे का पूरा डाल देंगे इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती इस मसाले को सिर्फ धीमी आज पे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर ये हमने जो दो चम्मच तिल्ली ली थी वो तिल्ली ले ली है ये मेरी तिल्ली थोड़ी कुटी हुई है आप सादी तिल्ली भी ले सकते हैं और एक चम्मच खसखस इसमें हम शक्कर का बूरा डाल देंगे दो चम्मच के करीब क्योंकि ये खट्टी मीठी होती है इसका टेस्ट खट्टा मीठा होना चाहिए शक्कर इसमें सही मात्रा में डलना चाहिए साथ ही में हम आधा चम्मच के करीब गरम मसाला लिया है वो डाल देंगे और ये हमने जो धनिया इसमें धनिया बहुत ज़्यादा लगता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धनिया यूज़ करें आप ये मैंने एक कटोरी पूरा भर के धनिया लिया था और इस धनिया डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें पूरे मसाले को धनिया में इसमें धनिया की मात्रा एकदम ज़्यादा होती है ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे और साथ ही में नमक भी डाल देंगे हमने नमक नहीं डाला था नमक टेस्ट के अनुसार डालें अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर गैस बंद कर देते हैं जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम रोटी ये लोई ली है जो आटा हमने लगाया था उसमें से छोटी सी लोई ले लें छोटी साइज़ की इसकी हमें एक पूड़ी जैसी बेलना है पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ की रोटी हमें बेल लेना है और इसमें हमें दो चम्मच की करी मिश्रण भर लेना है इस तरह से इसे किस तरह से पिक करते हैं मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ पहले एक तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है फिर दूसरी तरफ से इसे फोल्ड कर लें बीच में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से चिपक जाए ये देखिए बीच का हिस्सा खुल रहा है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी बीच में लगा लेंगे तो इसे खुलेगा नहीं यहाँ पर पानी के हाथ लगा लेते हैं और इसके ऊपर इस दूसरी परत को हम रख देंगे ताकि चिपक जाए फिर नीचे के हिस्से को गोलाई में फोल्ड करते जाएंगे पहले पूरा हिस्सा ऊपर पलट लेंगे जो जिसमें मसाला भरा हुआ नहीं उसके बाद इसको गोलाई में पलटते जाएंगे फोल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे एक जैसा साइज़ आ जाएगा इसका और यहाँ पे भी पानी लगा लेंगे हम जो हिस्ा हमें बंद करना है वहाँ पे भी पानी का हाथ लगा लें और फिर इसे पूरा फोल्ड कर दें अच्छे से गोलाई में लेते हुए और इसको हाथ की सहायता से एक बार चकले पर अच्छे से घुमा लें इस तरह से ये बन के एकदम तैयार इसी तरह से मैंने सारी बड़ा बना के तैयार कर लिया है अब हमने तेल भी गर्म करने रख दिया था आप तेल को बिल्कुल धीमी आँच पे रखें इसको धीमी आँच पर बनाएंगे तो एकदम क्रिस्पी करारी बनेंगी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका इसको आप धीमी आँच पर पकने दें जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तब तो आप इसे पलट दें ये देखिए मैं इसे पलट लेती हूँ एक तरफ से थोड़ी अच्छे से हो गई है ये देखिए फूल भी गई है थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो गया है इसका हमें कलर चाहिए डार्क कलर चाहिए अभी भी हमको थोड़ा कलर इसमें लाना है जब भी इस कलर की हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे ठंडा होने देंगे इसे आप गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी लेकिन गरम गरम ज़्यादा अच्छी लगती है आप इसे केचप के साथ सर्व करें और अगर आप इसे अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे जरूर सब्सक्राइब करिए इसे एक बार आप जरूर घर पर बनाएं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है एकदम नया टेस्ट लिए हुए है ये लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा ये और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू